ए बहार, तुझसे तो आशनाई ना हो सकी। आज ख्वाहाने मुलाकात है एक सहरा। क्या ये मेरी नजर का तगाफुल है कि मुल्क नजर नहीं आया, या फिर हुसूल रिस्क और जिंदगी बेसबात की फिक्र। माजी को पसे पुश्त डालकर, हालात हाजरा को मद्दे नजर रख कर, दबी रेत में से जज्बात को निकाल कर, जिंदगी को गले लगाकर, मिठी थरपारकर की जानिब रवाना हूं। रास्ते के अंदर जो जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं मुझे, इट्स अनबिलीवेबल एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। अभी हम आए हैं ढाबे पर, अभी भूख बहुत भूख लगी है। मेरा नाम अहमद रजा है, यहाँ पर हॉस्टल में बहुत मच्छर है। अबे छोड़ दो वो सेंसर कि हम एंड्रोनेल्सिन हम पहुँचे। अभी नाश्ते के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। देखो ना, हमारे लिए नाश्ता बना रहे हैं, तो हमारे आगा जी बोर्ड कैमरामैन है और सकीना आप हमारे साथ है, और हम पाउंड की तरफ से यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़े बुनियादी मसले हैं वहाँ पे। सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक इतना कुछ किया नहीं है, एनजीओस काम कर रही हैं। थरपारकर का मसला ये है कि वहाँ पे बारिशें नहीं होती क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरा है, वहाँ पे अगर आप खबरों में देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो पैदा होते हैं वो मर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और आज हम आपको दिखाएंगे एक, आज हम अपना दिन गुजारेंगे थरपारकर में। ठीक है, हम जा रहे हैं थर टॉक पे, तो हम इस व्लॉग में दिखाएंगे आपको कि थर के लोग कितनी सारी ज़िंदगी, कितनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस वक्त हम होटल आए हुए हैं, और हमारा एक ऐसा बंदा है जिसने पानी की बोतलें भी नहीं ली हैं। हम सबसे ज़्यादा गरीब बंदा गुजरा। और सदीकेन भाई, एक शायरी से शुरुआत करेंगे और हम जाएंगे फिर अपने बस की तरफ। मैं शायरी से व्लॉग का वो करना चाहता हूँ कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। वाह वाह, तो चलते हैं नाजरीन, आपको लेके चलते हैं हमारी बस, अपनी बस की तरफ चलते हैं। हमारे तो बस हम में भी बात बता देंगे, गरीब लोग बैठे हुए। ये जो बस, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये फंडेड है, इसको US कॉन्सुलेट फंड कर रहे हैं। हम जा रहे हैं बेसिकली टेड टॉक्स पे। तो थरपारकर रकबे के लिहाज से सिंध का सबसे बड़ा जिला। हैरत अंगेज बात तो यह है कि थरपारकर में दुनिया का वाहिद जरखेज रेगिस्तान है। इस जिले में तकरीबन 40% आबादी हिंदुओं की, 60% आबादी मुसलमानों की है। अभी हम यहाँ पे लंच करने आए, और थोड़ा सा मैं आपको थर की हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। ये चरखी बोलते हैं इसको, इससे जो है ना, अभी तो हमारे पर ट्रैक्टर्स आ गए, वरना पहले ज़मीन की जो ज़मीन को लेवल इससे किया जा रहा था। ये जो है वो चरपाई के पाए हैं, ये एशियन, और ये आटे की चक्की जो पुरानी हमारे यहाँ घरों में इस्तेमाल होती थी। और ये देखिए ये आप देख रहे हैं कितने सादे से ये हट्स हैं, घर हैं, ये जो पुराने लोग इस्तेमाल करते थे। लालटेन, अगर आप अपने दादा अबू से पूछे होंगे तो ये जरूर याद होगा, लालटेन याद। हाँ, लालटेन का भी इस्तेमाल मैंने देखा है। हाँ बिल्कुल, और ये अगर आप देखें जग कितना अच्छा जग है, और मतलब चिराग का है, ना कोई पोल्यूशन है, चिराग ना कोई चिराग का है, मट्टी का है, ठंडा पानी, लाइट नहीं है, तो आप इसमें फिर भी इसको आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें। अच्छा, इसको ये मतलब चूल्हा,
देखो यहाँ ये चूल्हा था। हाँ अच्छा, इसके बारे में बताना चलूँ, आजकल मशीनें आ गई हैं, जूसर मशीन आ गए हैं, तो इसमें आप लहसुन अदरक जो है वो आप जो है ना यूँ कूट कर सकते थे, ये बड़ी यूनिक थी। तो मैं अभी आपको पहाड़ देख के दिखाना चाहूँगा, देखिए कितने अच्छे पहाड़ हैं, बारिश हो रही है, कितने अच्छे एटमोसफियर है। अभी हम यहाँ लंच करने आए, ठीक है, ये मिट्टी अपना ये थर्ड कैफे है, बहुत ही अच्छी जगह है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये बाकी लोग हैं, आई मीन दे आर जस्ट चिल। इट्स लवली डे, बारिश ने ना थोड़ा हल्का महफिल जमा दी, बिल्कुल महफिल जमा दी है, लगता है हमारे। और हम आपको दिखाएंगे थर का झूला। गाइस चलो, लंच का टाइम हो गया है, चलो लेट्स गो। चलो भाई, झूला झूला। थर में बारिश हो रही है, मतलब ये हमारी ब्लेसिंग लेकर आए हम थर के लिए, तो इट्स अ गुड थिंग ब्रो। अभी हम पहुंच चुके हैं थर पारकर मिट्टी, और टेड टॉक थोड़ी देर में जो है वो शुरू होने वाला है। और आज हम अब यहाँ पर आए तो बारिश हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं बारिश बहुत खुशगवार मौसम, थर पारकर एनर्जी। तो आइए चलते हैं, हम अपना सफ़र शुरू करते हैं थर पारकर से। थर पारकर इस्लामपुर बहुत ही पहली दफ़ा यहाँ, ये सेकंड टाइम है यहाँ पर बेसिकली, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये, बड़ा स्लम इलाका है, यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए भी कुछ नई चीज़ की ज़रूरत है। और एक बंदा हज़ारों काम जो सिर्फ सदाम ही कर सकता है, बहुत मुश्किल है कि ये औदा या ये। अच्छा वैसे ये कल नहीं आ रहे, मैंने इनको कल ही फ़ोन किया जो आए, तो मेरे अचानक से ये वो बना कि भाई यार चलते हैं, और हम आपको क्लासें भी दिखा देंगे, हम आपको क्लासें भी दिखाएंगे कि ये हम आपको दौरा करवा रहे हैं। ये है एनएडीवी अपना थर्ड पार्टनर कैंपस की एक क्लास। हेलो, हाय हाय,